नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे पतले पोहे का चूड़ा। ये अक्सर हम दिवाली में बनाते हैं, पर ये बहुत ही आसान है, तो हम इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। कम क्वांटिटी में चूड़ा तो बहुत आसानी से बन जाता है, पर जब ज़्यादा क्वांटिटी होता है तो इसका कलर अच्छे से नहीं आता है और ये अच्छा क्रिस्पी नहीं बनता है। तो आइए आज 1 किलो का क्रिस्पी चूड़ा कैसे बनाते हैं देखते हैं। ये 1 किलो पतला पोहा है जिसे हमने 1 घंटे के लिए धूप में रखा है, फैला दिया है। उसके बाद हम इसको छान लेंगे छन्नी से, जिससे इसका सारा कचरा निकल जाएगा। एक बड़ा टोप चढ़ाएंगे गैस पे, उसे गर्म कर लेंगे और फिर 1/2 किलो पोहा उसमें डालेंगे और उसे 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे। आँच को धीमी ही रखें, टोप तो गर्म हो चुका है, लगातार चलाते रहें और ऐसे चलाएं कि पोहा टूटे ना। इसी तरह सारा पोहा भून लेंगे और सब एक साथ इसी टोप में रख देंगे साइड में। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें 1/2 कप तेल डालेंगे। इतने ही तेल में हम पूरा 1 किलो का चूड़ा बनाएंगे। अब मैं इसमें 200 ग्राम मूंगफली डाल रही हूँ, इसे हम तल लेंगे। इसे धीमी आंच पे तलें, अगर फास्ट आंच पे तलेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा। इसे तलते रहें, चलाते रहें लगातार, जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे आप इसे निकाल लीजिए। और इसे हम एक परात में निकालेंगे जिसमें हमने पहले ही पोहा रखा है। सारा तेल छान कर निकाल लें, तेल रह भी गया तो भी वो पोहे में ही रहेगा, इसलिए नीचे पोहा रखें। अब हम इसमें 100 ग्राम सूखा नारियल डालेंगे। ये नारियल को हमने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है और इसे लगातार चलाते रहें क्योंकि ये बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाता है। तो ये देखिए हो गया है, जैसे ही थोड़ा सुनहरा होने लगे इसे निकाल लीजिए, नहीं तो ये जल जाएगा। उसी परात में इसे भी हम निकाल लेंगे, पूरा निकाल लें। अब हम इसमें भुनी हुई दाल डालेंगे, ये ऑलरेडी भुनी हुई रहती है तो बस इसे थोड़ी देर के लिए ही फ्राई करना है। देखिए हो गया, इसे भी निकाल लेते हैं। 100 ग्राम दाल को हमने फ्राई कर लिया है, 1 किलो के लिए 100 ग्राम काफ़ी है। अब हम इसमें कटी हुई मिर्ची डालेंगे, ये मैंने 15 से 20 मिर्चियाँ लिए हैं, उन्हें 2 भाग में काट लिया है और उन्हें फ्राई कर लेंगे। जब तक ये पूरी तरह फ्राई ना हो जाए तब तक हम इन्हें फ्राई करना है। और इसे डाल के थोड़ा दूर हो जाइए क्योंकि ये चिटकती हैं, इन्हें फ्राई कर ले पूरी तरह, कच्ची नहीं रहनी चाहिए, ये क्रिस्पी रहेंगी तो चूड़े में नरम नहीं होंगी। अब देखिए ये हो चुका है, हम इसे निकाल लेते हैं। गैस को स्लो कर दिया है। मिर्चियाँ अगर करारी नहीं निकाली तो हमारा चूड़ा बहुत दिन तक टिकेगा नहीं और ये नरम हो जाएगा, इसलिए हमें करारी मिर्चियाँ निकालनी है। अब हम इसमें 1 कप तक करी पत्ते डालेंगे, ये भी डाल के थोड़ा दूर हो जाइए क्योंकि ये भी चिटकते हैं। इन्हें भी एकदम करारे फ्राई कर लें, जब तक आवाज़ ना आने लगे फ्राई करते समय, तब तक हमें इन्हें चलाते रहना है। देखिए ये हो चुका है, ये सब प्रोसेस मैं मध्यम आँच पर ही कर रही हूँ। देखिए ये पूरी तरह करारी क्रिस्पी हो गई हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। हमने सब फ्राई कर लिया है, अब इसी तेल से हम चूड़ा बनाएंगे। वही टोप में ये कढ़ाई वाला तेल डाल दें, थोड़ा सा तेल बचा रही हूँ मैं। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें 5 बड़े चम्मच सरसों डालेंगे और इसे पका लेंगे, जब तक इसकी फूटने की आवाज़ ना आए। इसे अच्छे से पका लीजिए। फिर हम इसमें 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और हल्दी को पका लेंगे। गैस को अभी स्लो कर दे, नहीं तो हल्दी जल जाएगी। बस हल्दी जैसे ही पक जाए इसमें हम भुना हुआ पोहा डाल देंगे, पतला पोहा, और इसे लगातार चलाते रहें। आराम से चलाइए नहीं तो पोहा टूट जाएंगे। तली हुई मूंगफली, दाल, मिर्ची, कड़ी पत्ते वो सब भी डाल दें। आँच को मध्यम से थोड़ा कम रखें और इसे 2 कड़छी से मिला दें, धीरज रखें और इसे मिलाते रहें। इसका कलर अवश्य बदलेगा और ये इवन कलर में आ जाएगा। बस इतना याद रखें कि गैस की फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच नमक डाल रही हूँ 1 किलो पोहे के लिए। नमक को मिला देते हैं सब जगह पर। देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है,
जैसे जैसे मिलाते जा रहे हैं वैसे वैसे हर एक पोहे पे कलर आते जा रहा है हल्दी का। बस यही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसे हमें अच्छे से करना है। इसे मिलाने के लिए करीबन 10 मिनट लगते हैं। ऐसे ही लगातार मिलाते रहना होता है। और कभी भी आप ज़्यादा चूड़ा बनाते हैं तो इसे बड़े बर्तन में ही बनाएं, जिससे आप आसानी से इस तरह मिला सकते हैं। देखिए, दोनों साइड पे पकड़ के इसे उलट पलट कर हमें उसी टोप में इसका कलर भी आ जाएगा और पोहा टूटेगा भी नहीं। 10 मिनट तक लगातार हम मिलाते रहे हैं इसे। देखिए, इसका कलर अच्छा आ गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट बाद हाथ लगाएंगे। तब तक हम शक्कर और सौंफ को मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लेते हैं। यहाँ मैंने एक चम्मच शक्कर और एक चम्मच सौंफ लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर मीठा टेस्ट पसंद हो तो। शक्कर और सौंफ को हमने पीस लिया है। 10 मिनट तक चूड़ा को हमने ठंडा करने रखा है। 10 मिनट बाद हम ये सौंफ और शक्कर का पाउडर डालेंगे और इसे उसी प्रकार से मिला लेंगे। पहले दोनों कड़छे से मिला लें, फिर टोप को पकड़ के इसे उस तरह मिला लीजिए। लीजिए, तैयार है 1 किलो पतले पोहे का चूड़ा, जो हम दिवाली में अक्सर बनाते हैं पर आप अभी भी बना सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अगर पसंद आई हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।